माधव कुंज बिहारी। बोले सब जोर से प्रेम से बोले जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हो राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी। यमुना तीर वन चारे जय हो राधा माधव कुंज बिहारी। जय हो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हे यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा
Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Manachare Yamuna Tira Vanachare Jayo Radha Madhava Kunja Vihare Jayo Radha Radha Madho, Jaya Radha Madho Jaya Radha Madho, Radha Madho, Radha Jaya Radha Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Radhe Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Gopinath Jaya Radha Gopinath Jaya Radha Sham Radha Sham Radha Sham Jaya Radha Sham Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Sri Gopal, Sri Gopal, Jaya Sri Gopal. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Gauranidha, 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 Jaya Gauranidha. Jaya Jaya Prabhupada 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 Nitai Gaura Haribol 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 Haribol, 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 Haribol Haribol, 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 Haribol Nitai Gaur Haribol, 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 Haribol Hi, Gaur Premande. Jo Vishnupada Paramahansa Parivachakacharya.
ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तुंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय गोलोकेरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की जय सामवेद गौर भक्तवृंद की निधाय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरुंगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में सुदामा प्रभु जी उपस्थित हैं। सौभाग्य तो सौ लोग भाग्य है जब बोलते हैं तो शब्दों का अर्थ बदल जाता है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, वो शब्द जो हम हमेशा से बोलते आए हैं लेकिन अब प्रभु जी से सुनेंगे तो शब्द के अलग अलग अर्थ स्फुरित होने लगेंगे। तो प्रभु जी लगभग 90 में इस्कॉन से जुड़े थे, राधेश्याम प्रभु उनको खोज करके निकाले और उसके बाद राधेश्याम प्रभु, गौरांग प्रभु, सुदामा प्रभु ये निगड़ी में प्रचार शुरू किए, उसके बाद राधा कुंज बिहारी मंदिर में, फिर प्रभु जी वापस चौपाटी गए, वहाँ पर प्रचार करते रहे और इस प्रकार मंदिर में रहकर और अभी ये पूरे भारत भर में घूमकर विशेष रूप से हरिनाम के महिमा, हरिनाम जब कैसे ठीक से कर रहा है, उसकी शरणागति कैसे ले रहा है, उसके बारे में प्रचार करते हैं और साल में कई बार हमारा वर्तमान में रहते हुए सही भावना से जप करने की कला, ये आज का शीर्षक। तो बहुत सुंदर पीपीटी बनाते हैं हिंदी में विशेष रूप से, क्योंकि कई बार इंग्लिश में बोलने वाले बहुत स्पीकर रहते हैं लेकिन हिंदी में जप के ऊपर सेमिनार करने वाले और जप की महिमा बताने वाले स्पीकर्स कम रहते हैं। और प्रभु जी अभी ट्रैवलिंग प्रीचर हैं तो भारत के अलग अलग मंदिरों में घूमकर जप के ऊपर सेमिनार देकर भक्तों के से, क्योंकि जप की शरण लेंगे तभी भक्ति में प्रगति होगी, तो जप के बारे में इतना गहराई से बताते हैं लेकिन उनकी एक शैली है, बहुत विशेष शैली है, इसके कारण जोर का झटका धीरे से लगता है तो एकदम गंभीर चीज़ बताते हैं लेकिन बहुत सरल ढंग से बताते हैं, तो आपको समय का भी पता नहीं चलेगा और कब बात हृदय के अंदर चली जाएगी इसका भी पता नहीं चलेगा। तो हमारा सौभाग्य है प्रभु जी यहाँ पर है कुछ दिन के लिए, कल राधा कुंज बिहारी मंदिर में क्लास दी थी, आज श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में उपस्थित हैं, तो हम प्रभु जी का बहुत हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं यहाँ पर श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद हरिवती प्रभु, पति प्रभु ना तो मेरा परम सौभाग्य है फिर से आप सभी महान वैष्णवों का संग करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। तो पिछले 30 साल में जो भी हमने अनुभव किया है वो अनुभव पिछले अगले एक घंटे में बताने का प्रयास करेंगे।
कॉन्सेंट्रेटेड रसना, ठीक है, मालूम नहीं कितने लोग उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो आज का विषय है वर्तमान में रहते हुए सही भावना से जप करने की कला। क्या बताया? वर्तमान में रहते हुए सही भावना से जप करने की कला, पार्ट वन है, तो इसमें आपके कई पार्ट हो सकते हैं। तो वर्तमान, प्रेजेंट, क्योंकि हमें भक्ति में एब्सेंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि एब्सेंट होंगे तो अब सेंट नहीं बन पाएंगे। क्या नहीं बन पाएंगे? हाँ, दुरात्मा बन के रहेंगे। 9.13 क्या श्लोक है? श्लोक क्या है 9.13? दैवीं महात्मानम स्तुपार्थम दैवीं प्रकृति माश्र। इसलिए एब्सेंट नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट, बी प्रेजेंट। और क्या करना है? वर्तमान में होना चाहिए भक्ति करते समय हर कार्य, क्योंकि भक्ति में ठाकुर कहते हैं अवर मिसफॉर्चून स्टेम्स फ्रॉम इन अटेंशन। क्या बताए? अवर मिसफॉर्चून स्टेम्स फ्रॉम इन अटेंशन। और इन अटेंशन का शब्द बताया मैंने, हमें इन अ टेंशन रहेंगे हम। अगर वर्तमान में रहेंगे तो इन अ टेंशन। तो भक्त को टेंशन नहीं लेना है, भगवान को टेंशन देना है। टेंशन उनका काम है। जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, कल रात संध्या के समय सूर्यास्त के पहले अगर जयद्रथ को खत्म नहीं करूंगा तो मैं खुद खत्म हो जाऊंगा। और कंबल ओढ़ के सो गए, खराटे मार दिए, खाओ पराठे मारो खराटे। तो भगवान ने बीच रात में उठाया और पूछा, बेटा किसको पूछकर आपने ये प्रतिज्ञा ली? मैं तुम्हारा काउंसलर हूं, उसका पूछना चाहिए था मुझे। अभी तक पीडीसी नहीं हुआ तुम्हारा, व्हाइट में हो, येलो में आने के बाद हल्दीराम के लोग हुए। तो अर्जुन ने कहा, आपने युद्ध शुरू होने से पहले वचन दिया है नमे भक्त्या, तो टेंशन आपका है मेरा नहीं। इसलिए फिर से कंबल ओढ़कर हम्बल बन के सो गए फिर। इसलिए टेंशन हमारी जिम्मेदारी नहीं, टेंशन उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए भगवान कहते हैं आपको चिंता नहीं करनी या चिंता नहीं बनना है, आपको सिर्फ चिंतन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वो भी वर्तमान में रहकर सही भावना से। वर्तमान क्यों? फिर से, क्योंकि 8.6 क्या है? 8.6 यम वापी स्मरण भाव त्यजते अंते कलेवर। मृत्यु के समय वर्तमान में जो भावना होगी शरीर त्यागते समय, वो भावना आपको अगले शरीर में खींच के ले जाएगी। क्योंकि मन में तीन कार्य होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो सबसे महत्वपूर्ण है भावना। इसलिए भगवान ने जानबूझकर क्या कहा है दोनों श्लोक में, 8.5 एंड 8.6 स्मरण कहा है, अंतकाले च मामे व। भगवान कहते हैं इफ यू रिमेंबर मी यू विल कम टू मी, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर मी देन यू हैव टू बिकम रिमेंबर। व्हाट? रिमेंबर इन द मटेरियल वर्ल्ड, पुनरपि जन्म पुनर्मरण, वारी वारी जन्माची फेरी। हाँ, इसलिए रिमेंबर के दो अर्थ होते हैं। और रिमेंबरन स्मरण कभी होगा जब पूरी जिंदगी हम वर्तमान में रहकर सही भावना से जो श्रवण कीर्तन करेंगे वो करंसी बदलेगी स्मरण में। अंतकाले च मामेव, क्योंकि भगवान ने बनाई हुई अनोखी बैंक है, हरिनाम की बैंक, भक्ति की बैंक, जिसमें सिर्फ वर्तमान में सही भावना से डिपॉजिट करते जाना है, विड्रॉवल अलाउ नहीं, अनोखी बैंक है।
इसलिए लोग पागल में निकालते हरे कृष्णा को, कि हरे कृष्णा वाले पूरा हरे कृष्णा करते हैं, कि बैंक अनोखी बैंक है। भौतिक जगत का अनुभव क्या है, बैंक में डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं जब चाहे, लेकिन भगवान ने अनोखी बैंक बनाई है जिसमें कंडीशन क्या है, आपको सिर्फ वर्तमान में रहकर सही भावना से डिपॉजिट करते जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। विड्रॉवल सिर्फ मृत्यु के समय, अंतकाले च मामेव। इसलिए कई लोग पीछे हटते, हाँ लगता है बैंक कुछ गड़बड़ी है, घोटाला बैंक है ऐसा लगता है लोग। इसलिए कलयुग के मूर्ख लोग ऐसी बैंक में लगाते हैं जिस बैंक का नाम है शरीर और शरीर के संबंधी। ये अनोखी बैंक है जो शरीर और शरीर के संबंधी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम में पूंजी लगाओ, हम में पूंजी लगाओ, हम में पूंजी लगाओ, आपको गारंटी देता है आपका दिवाला निकाल के रखेंगे। और कई लोग भक्तों को मूर्खता में निकाल दे कि देखो आप करा भाई बहन रिश्तेदार कितने फल रहे फूल रहे, दुर्गा की पूजा, गणेश की पूजा, शिव की पूजा, ए बाबा ओ बाबा कितने फल रहे फूल रहे, तो हरे कृष्ण में जाके क्या किया? ऐसी बैंक में लगा रहे जहाँ डिपॉजिट करना है, विड्रॉवल अलाउ नहीं। क्या फ़ायदा है ऐसा बैंक का? देखो तेरे भाई को जब चाहे विड्रॉ कर सकते, जन्म देही, गाड़ी देही, बंगला देही, तुमने क्या प्राप्त किया? तेरे भाई के पास क्या नहीं है आज? गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? तो क्या बोलना चाहिए वो फेमस डायलॉग, मेरे पास माँ भी है और बाप भी है, कृष्ण माता कृष्ण पिता। तो ये श्रद्धा कभी आएगी? जब वर्तमान में रहकर सही भावना से हम पुकारते रहेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत मुश्किल है, भावना सही नहीं होगी तो कोई डिपॉजिट नहीं करेगा इसमें। तो भावना सही होनी चाहिए। वर्तमान क्यों? फिर से, क्योंकि अंततः हमारी मृत्यु आखिरी सांस में होने वाली है, इसलिए भगवान ने जानबूझकर करके स्मरण रखा है। पूजनम अर्चनम साख्यम दास्यम नहीं, कृष्ण बड़ा दयामय। कभी बोलते हैं इतने गए गुजरे हम इतनी कंडीशन भक्ति हमारी, प्लेट दिखाओ बाद में बोलेंगे कृष्ण बड़ा दयामय, तब तक नहीं बोलेंगे हम ऐसी हेतु की भक्ति कर रहे हैं, प्लेट दिखाने के बाद बोलेंगे कृष्ण बड़ा दयामय। लेकिन कृष्ण बड़ा दयामय इसका दूसरा सबूत क्या है? भगवान ने जानबूझकर स्मरण रखा है, क्योंकि ये स्मरण इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड द लास्ट लिंब विच लीव्स अस, विच क्या कहते हैं, जो हमें धोखा देता है वो है हार्ट, हार्ट अटैक, हार्ट काम करना बंद करते हैं। इसलिए भगवान ने अंतिम क्षण तक हमें मौका दिया है, क्योंकि किस सांस में मृत्यु आएगी पता नहीं, इसलिए हर सांस के साथ हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे पेजावर मठ के स्वामी कहते हैं, पेजावर स्वामी, कि हम सांस लेने के लिए समय नहीं निकालते, माला बाद में कीजिए प्रभु जी, ठीक है अभी ध्यान दीजिए, इन अटेंशन, नहीं तो टेंशन आएगा आपको बाद में। तो हर सांस के साथ सांस लेने के लिए, सांस मालूम है ना सबको क्या होती है? सांस जो शादी के बाद मिलती है वो नहीं, हाँ जो ले रहे हम सांस, वो सांस आखिरी हो सकती है। और ये सांस लेने के लिए हम समय नहीं निकालते, बाकी शरीर के हर एक कार्य के लिए समय निकालते, खाने पीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, सोने के लिए, हर चीज के लिए समय निकालते। लेकिन सांस एक कार्य ऐसा है जिस पर पूरी जिंदगी निर्भर है, हमारा जीवन निर्भर है, उसके लिए हम समय नहीं निकालते। वो बिना पता चले सांस चलती होती है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति कहेगा मुझे समय निकालना है सांस लेने के लिए, तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए जैसे बिना पता चले हमारी सांस चले, ऐसे हर सांस के साथ, क्योंकि किसी भी सांस में हमारी मृत्यु हो सकती है, कोई भी हमारी आखिरी सांस होती है। इसलिए
बुद्धिमान व्यक्ति सोच सकता है, क्या सोचेगा, ये जो सांस ले रहा हूं ये आखिरी हो सकती है, तो क्यों ना वर्तमान में सांस लेते समय इस सांस के साथ में भगवान का स्मरण करूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए वर्तमान, और क्या करना है वर्तमान का, क्यों वर्तमान में रहकर करना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा के पास कहने के लिए, उसका कहने के लिए दो ही चीज होती है जो भगवान ने दी है, वर्तमान और हमारी भावना। क्या होती है, वर्तमान और हमारी भावना, दो ही चीजें, विच वी कैन से अवर्स एंड विच वी कैन यूज इन कृष्णा सर्विस। जो हमारे पास नहीं है वो सेवा में नहीं लगा सकते। तो जीवात्मा के पास दो ही चीज होती है जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा सकता है, वर्तमान और हमारी चेतना। चेतना क्या होनी चाहिए, भावना क्या होनी चाहिए, कृष्ण भावना। अभी कृष्ण भावना ही क्यों, क्योंकि हम कृष्ण के पुत्र है। ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सन अहम बीज प्रदापिता। तो हम कृष्ण के पुत्र है, हमारे पिता हमारे बा कौन है, कृष्ण है। लेकिन साइंस क्या बताता है, बायोलॉजी, हम कहाँ से आए, अमीबा। तो हमारा बा बदल दे उसने इसलिए लोकनाथ महाराज कहते हैं हम अमीबा से नहीं आए, विठोबा से आए। कहाँ से आए, हाँ, तो बा को भूलिए मत इतर बाबा रे बाबा होगा फिर इसलिए खून हमारा किसका होगा, माता पिता, कृष्ण माता कृष्ण। बच्चे में खून माता पिता का होता है और हमारे माता पिता कौन है, कृष्ण। तो भावना भी माता पिता की होनी चाहिए, पड़ोसी के नहीं, रिश्तेदारों के नहीं, मोहल्ले वालों के नहीं। भावना किसकी होती है, माता पिता की। इसलिए वर्तमान और कृष्ण भावना, ये दो ही चीज है जो जीवात्मा के कहने लायक है, और ये दो चीज भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि उत्तम भक्ति किसको कहा है, ऋषिकेश, जो भगवान ने दिया है उसको फिर से सेवा में लगाना, उसको उत्तम भक्ति कहा है। कुछ अलग नहीं करना है, जो भगवान ने दिया है फिर से भगवान को क्या करना है, अर्पण करना है। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, जय जगदीश हरि। लेकिन समय आने पर क्या कहते हैं, सब कुछ लागे मेरा क्या जाए तेरा, जय जगदीश हरि तो प्रॉब्लम उधर है, क्योंकि वर्तमान को खुद के लिए पकड़ के रखते हैं, मेरा है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे समाज के लिए है, मेरे देश के लिए है, ये मैं और मेरा, इसलिए हम कस कर पकड़ रखते हैं वर्तमान। जीवात्मा के आत्मे ना भूत है ना भविष्य, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गॉड गिवन गिफ्ट। अभी प्रेजेंट को गिफ्ट क्यों कहा है, क्योंकि शादी में क्या कहते हैं, हमने प्रेजेंट दिया, मतलब क्या दिया, गिफ्ट दिया। इसलिए हमारे हाथ में ना भूत है ना भविष्य है। कि जीवात्मा जैसे भगवान को भूल जाता है तो तीन चीजें फ्री में मिलती है, फ्री गिफ्ट, जैसे स्कीम होती है ना, बाय वन गेट थ्री फ्री, ऐसे भगवान को भूलने के कारण तीन चीजें माया फ्री में देती है भगवान माया के माध्यम से। और तीन चीजें क्या है, भागवतम कहते हैं पहला स्कंद, भय मोह शोक। सो भय मोह शोक रिलेट्स टू थ्री टेंस, कौन से टेंस है, पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट। ये टेंस, थ्री टेंस हमें फ्री में मिलते हैं, भय मोह शोक, इसलिए हमेशा हम टेंस में होते हैं, किस में होते हैं, टेंस में होते हैं भौतिक जगत में। तो भय रिलेट्स टू फ्यूचर, भविष्य की चिंता। तो चिंता और चिंता में फर्क क्या है, एक बिंदी का अनुस्वर का नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। चिता मरने के बाद मुर्दे को जलाते हैं, उसको चिता कहते हैं, और चिता एक बार ही होती, बार बार नहीं होती। क्यों?
क्यों नहीं होती बार बार? क्या कारण है? क्योंकि मुर्दा भाड़े पे नहीं मिलता, इसलिए चिता ही बढ़ती। कोरोना में तो खुद के मुर्दे नहीं मिल रहे थे, है कि नहीं? गवर्नमेंट जला रही थी, इसलिए चिता एक बार होती है। और दूसरा कारण क्या है? लकड़ी बहुत महंगी है, तो इतना खर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, इसलिए चिता एक बार होती है। लेकिन चिंता जो जिंदा आदमी को हर क्षण जलाती है जब तक वो मुर्दा नहीं बनता, उसको चिंता कहते हैं। देखिए कितना गहरा मतलब दिया है, जिंदा आदमी को हर क्षण जलाती है चिता के समान, जब तक वो मुर्दा नहीं बनता तब तक जलाने वाली चिंता होती है। और हमारा दुर्भाग्य क्या है, जिनकी चिंता में हम खुद जलते होते वो हमारी चिता बनाते हैं, समझ गए? जिनकी चिंता में हम जलते होते हैं वो हमारी चिता बनाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं चिता ना बनो, चिंता ना करो, सिर्फ चिंतन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कम से कम जप के समय कथा में वर्तमान में होना चाहिए, क्योंकि एक घंटा कथा में और दो घंटे भगवान के नाम में अगर हम वर्तमान में रहेंगे, भगवान का संग मिलने पर भी हम असंतुष्ट है, अशांत है। अशांत कौन होते हैं? जो भक्ति नहीं करते। भुक्ति मुक्ति कामी सकले अशांत, इसका मतलब सोचना चाहिए। अशांत का मतलब है अभी तक मेरी भक्ति शुरू नहीं हुई, मैं डिस्टर्ब हूं। इसका कारण क्या है? 2.66 क्या है श्लोक अशांतस्य? हाँ, तो प्रभुपाद बहुत स्ट्रांग एक लाइन कहते हैं, उसमें पंच लाइन है, वो दिमाग में फिट होनी चाहिए। डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड इज ड्यू टू लैक ऑफ अल्टीमेट गोल। इसलिए वर्तमान में रहकर बार बार उस अल्टीमेट गोल को याद करना है। हरी बोल यही है अल्टीमेट गोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, है कि नहीं? कितना सुंदर प्रश्न किया आचार्य। वर्तमान में दो घंटे भगवान के साथ है, क्योंकि भगवान नाम के रूप में आ रहे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, सारे अवतारों की शक्ति लगाई है नाम, नामकारी भक्त सर्वशक्ति। ऐसे भगवान का संग करते समय आप शांत नहीं है, अशांत है, खुश नहीं है। खुश कभी होंगे? जब भगवान को खुशी देंगे, क्योंकि देर इज नो सेपरेट हैप्पीनेस फॉर लिविंग एंटिटी। आत्मा को अलग से आनंद नहीं, जैसे मछली क्यों तड़पती है? जब वो पानी से अलग होती है। पेड़ का पत्ता कब तक सूखे? जब तक पेड़ से जुड़ा है। ऐसे जीवात्मा जब वर्तमान में रहकर सही भावना से भगवान से संबंध जोड़ने का प्रयास करते तब तक सूखे, तब तक आप मुक्त पुरुष हो। नित्य क्या कहा? पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो। कृपात कहते जब तक आप जप कर रहे कथा में है तब तक यमराज आपको उठा नहीं सकता। लेकिन यमराज नहीं कर सकता तो आजकल वो मोबाइल कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल के रिंग बजते ही बाहर भागना पड़ता है, क्योंकि सबकी नज़र पड़ती है किस नमूने का मोबाइल बज रहा है। जैसे बच्चा रोता है तो माँ को क्या करना पड़ता है? कथा में बच्चे को लेकर बाहर भागना पड़ता है, इज्जत मत निकला, सब लोग देख रहे किसका काटा किसका बच्चा रो रहा है। तो उस बच्चे को शांत करने के लिए वो बाहर जाते हैं, और बाहर जाकर उसका चुम्बन लेते हैं, चुप हो जा, इज्जत मत निकाल, उसको साइलेंट करके अंदर रहते हैं। ऐसे मोबाइल को बाहर जाके साइलेंट करके अंदर आना पड़ता। तो यमराज जो कथा से नहीं उठा सकता वो कलयुग में मोबाइल कर रहा है। और ऐसे मोबाइल को लेकर बाहर जाएंगे और मृत्यु हो गई तो क्या हो गए? अगले जन्म में चलता फिरता बैल, मोबाइल क्या बनेंगे? इसलिए वर्तमान में रहकर सही भावना से कथा सुननी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो भगवान इतने कृपालु है, आपके एक मिस कॉल पर दो घंटे आपसे मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं। कितना? अभी कौन सा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है दो घंटे आपके साथ मीटिंग करेगा?
इसलिए भगवान के साथ वर्तमान में रहकर क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। सिर्फ 2 घंटे कार्ड पंचिंग करेंगे तो आजकल कार्ड पंचिंग करने वालों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसे भगवान के साथ क्वालिटी टाइम, क्योंकि एक साधारण मित्र अगर अमेरिका से दुबई से आपको मिलने के लिए 10 साल के बाद आता है तो आप क्वालिटी टाइम निकालते उसके साथ। उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, 3-4 दिन उसके साथ दिन रात है कि नहीं, क्वालिटी समय निकालते कि नहीं, रात रात भर जाकर लंगोटी यार याद करते हैं। तो इतना क्वालिटी समय हम देते हैं। अगर कोई मित्र 10 साल 20 साल के बाद आपको मिलने के लिए आ रहे तो आचार्य कहते हैं हरिनाम नाम प्रभु ऐसे मित्र है जो आपको कई जन्मों के बाद मिलने के लिए नहीं, आपको घर ले जाने के लिए आ रहे। तो हाउ मच क्वालिटी टाइम यू शुड बी स्पेंडिंग बाय बीइंग प्रेजेंट व्हाइल चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। अरे भगवान के संग में 2 घंटे खुश नहीं है तो क्या खुशी मिलने वाली है? भूत में भविष्य में कोई गारंटी नहीं। और हमारी खुशी क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम खुद के खुशी के लिए करते हैं। मुझे जप में मजा नहीं आ रहा है, मुझे मंदिर जाने में मजा नहीं आ रहा है, मुझे गीता पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। किस उल्लू के पट्टी ने बताया आपको आपके मजे के लिए? जो भी आध्यात्मिक कार्य होता है उनके खुशी के लिए। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, यथाई गौर चंद्र की, शिष्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, उनके खुशी के लिए है, आपके खुशी के लिए नहीं। आपको क्या करना है? सिर्फ अंश के नाते पूर्ण को आनंद देना है। पूर्ण कौन है? कृष्ण, ओम पूर्णमिदम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। उस पूर्ण को अंश के नाते खुशी देंगे तो आपके जीवन में खुशी आएगी, क्योंकि जब पूर्ण को आनंद देंगे तो आप उसका हिस्सा है। यू आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल, बींग पार्ट एंड पार्सल यू विल ऑटोमेटिकली गेट दैट हैप्पीनेस, देयर इज नो सेपरेट एंडेवर रिक्वायर्ड। जैसे सुदामा को मांगना नहीं पड़ा, बिना मांगे मिला, इसे आत्मा का यह हक है। आत्मा का आनंद 3 स्तर पे सुख होती है, शरीर का सुख दुख, मन की शांति और आत्मा का आनंद। ये आत्मा का आनंद, ये आत्मा का हक है जब आत्मा वर्तमान में रहकर आत्मा का कार्य करेगा। 1.2.14 क्या श्लोक है? तस्माद एकेन मनसा, एकेन का मतलब है एकाग्रचित्त से, वर्तमान में रहकर सही भावना से। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च धेयश्च पूज्यश्च। तो वर्तमान में रहने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आप कहेंगे मुझ में एकाग्रता नहीं, भगवान ने एकाग्रता सबको दी है। भगवत धाम लौटने के लिए जो भी आवश्यक साधन है भगवान ने शरीर में दिए हैं। कैसे समझे एकाग्रता है? एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जिसको किस कहते हैं, फांस, वो शरीर के किसी भी अंग में प्रवेश करता है, घुस जाता है तो खाना पीना जीना हराम होती है। पूरा ध्यान कहाँ होता है? हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो आंखों से दिखाई नहीं देता आपका जीना हराम कर देगा। इसलिए पूरा ध्यान आपका कहाँ होता है? उस फांस पे होता है। जब तक उसको निकालेंगे नहीं तब तक जीना खाना सोना हराम हो जाएगा आपका। तो ये क्या बतलाता है? कॉन्सेंट्रेशन पावर है लेकिन हम गलत जगह लगा रहे, शरीर पर लगा रहे। वही कॉन्सेंट्रेशन पावर वर्तमान में होकर, वर्तमान में होने से क्या होगी, आत्मा पे लगाएंगे तो बहुत जल्दी आत्मा जो फांस के समान फंसा है इस शरीर में उसको बाहर निकाल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। लेकिन कंडीशन क्या है? वर्तमान में रहकर सही भावना का, सही भावना का मतलब है भगवान की खुशी के लिए। जितनी खुद की खुशी करेंगे तो अंत में खुद खुशी कर लेंगे हम। इसलिए सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं बहुत पावरफुल स्टेटमेंट, इन अटेंटिव चैंटिंग इज एन इनविटेशन फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। लिख कर रखिए जपा रिफॉर्म,
inattentive chanting is an invitation for self destruction. Aa baila mujhe maar. Manushya jeevan paiya radha krishna na bhajiya janiya shunya bish khainu. Isliye inattention leads to inattention, ashant, disturbed mind. इसलिए हमें वर्तमान में रहने से 100% लाभ होगा. जिस तरह से जप करें फायदा होगा, नुकसान नहीं है, क्योंकि भक्ति का कभी नाश नहीं होता. नेहा विक्रम नाशोस्ती प्रत्यवायन, लेकिन पूरा फायदा होने करना ही तो क्यों ध्यान पूर्वक ना करें. ऐसे 2 घंटे निकालना है तो क्यों रोते हुए करें, हंसते हंसते भगवान के खुशी के लिए, है कि नहीं? क्योंकि रोना तो पूरा जीवन है कि नहीं? इस्कॉन में आने से पहले भी रो रहे थे, जन्म लेते हैं तो रोते हुए आते हैं, पूरा जीवन सबको रुलाते होते है कि नहीं, खुद रोते होते और जाते समय सबको रुला के जाते. तो बिजनेस का रोना ही है. अभी यहाँ आकर भगवान के खुशी के लिए रोना है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम. लेकिन रोने से चेहरे पे खुशी आएगी. भगवान के लिए रोने से चेहरे पे तेज आएगा, खुशी आएगी. और लोग पूछेंगे आप किस चक्की का आटा खाते हो, आपके चेहरे पे तेज कैसे, खुशी कैसे? तब हम कह सकते हैं हमारे पास एक ही चक्की का आटा है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. ये तो घर वाले पड़ोसी मित्र परिवार सोचेंगे जब से इस्कॉन में गए इसके चेहरे पे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दिखाई देता है, तो हम जब करके क्या फायदे वाले. इसलिए पर्सनल प्रीचिंग इज बेस्ट प्रीचिंग, प्रभुपाद कहते हैं. तो अगला कारण क्या है, प्रेजेंट में रहना चाहिए. क्योंकि आध्यात्मिक जगत में दोनों टेंस एब्सेंट होते. कौन कौन से? पास्ट एंड फ्यूचर नहीं होता. तो नफरत की दुनिया छोड़कर प्यार की दुनिया में जाना है तो वर्तमान में रहना पड़ेगा. समझ गए? यहां अप्रेंटिस पास हो गए तो परमानेंट जॉब मिलेगा उधर, तब तक प्रवेश नहीं है वहां पर. तो ये कला सीखना आवश्यक है, वर्तमान में रहकर जीने की कला. क्योंकि इस्कॉन में हम 20-40 साल का बोझा लेकर जी रहे. मेरी उम्र 20 साल है, अभी और 60 साल जब करना है. इस बोझे में हम खुद को दफना रहे. सो ट्राई टू एंजॉय द प्रेजेंट, लर्न द आर्ट ऑफ एंजॉइंग द प्रेजेंट. बाय गिविंग प्रेजेंट यू कैन सेटिस्फाई कृष्णा. हाँ, वर्तमान में रहकर जीने की कला सीखने से क्या होगा, हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे. कि आध्यात्मिक जगत में भूत और भविष्य नहीं होता, आध्यात्मिक जगत में सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो उधर जाके गड़बड़ी करेंगे, इसलिए भगवान नहीं ले रहे. जब तक ये कला सीख नहीं पाएंगे तब तक आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. बहुत महत्वपूर्ण कर रहे हैं. क्योंकि जहाँ जाना है वहाँ का ड्रेस पहनना पड़ेगा. अंतराल में जाते हैं तो क्या पहनते, धोती कुर्ता पहन के जाते, क्या पहन के जाते? हाँ, वहाँ का ड्रेस, वहाँ का वेदर को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, वहाँ की रीति रिवाज को. और वहाँ रीति क्या है, भूत और भविष्य काम नहीं करता, वर्तमान काम करता है. तो यहाँ रख के सीखेंगे नहीं तो वहाँ जाकर क्या करेंगे फिर, और जाना असंभव है. क्योंकि वहाँ आप रह ही नहीं सकते फिर. इसलिए हमें क्या करना है, वर्तमान में रहने की कला सीखने. कैसे सीखे, जो भी सेवा कर रहे हैं मेरी अंतिम सेवा है, ये भावना होगी तो वर्तमान में रहेंगे. हाथ में जो मोती घुमा रहे, क्या कहते हैं, मोती कहते हैं उसको, माला का मोती होते हैं, मनी. जो मनी घुमा रहे उस पर 16 शब्द बोल रहे हैं, तो विचार क्या कर रहे हैं, हरे बोल रहा हूँ, अगला कृष्ण बोलने के लिए जिंदा रहूँगा कि नहीं. तो पूरी शक्ति हरे में लगाना है, क्योंकि एक शब्द भी आपको भगवत धाम ले जा सकता है. ऐसा नहीं कि 16 के 16 बोलने, एक शब्द भी. इसलिए इसको महामंत्र कहा है.
बाकी मंत्र को महामंत्र क्यों नहीं कहा है? भले कृष्ण के नाम है, विष्णु के नाम है, नारायण के नाम, जी जय श्री राम है, इसको महामंत्र क्यों नहीं कहा? क्योंकि बाकी मंत्रों में आगे पीछे कुछ जोड़ना पड़ता है, सफिक्स प्रफिक्स उसका पूरा करने के लिए, जय श्री राम। लेकिन जय शब्द किसी को भी लगा सकते हैं, जय मोदी, जय तेंदुलकर, तो क्या होगा? जय शब्द भौतिक हो गए। इसलिए हमें क्या करना है, समझना है 16 के 16 पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो, एक शब्द भी आपको भगवत धाम। लेकिन उसके लिए 16 शब्दों का अभ्यास करना होगा। इति षोडशक नाम नाम कलिकलम नाशनम नातो परत्रुपाय सर्व वेदेश दृश्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ब्रह्मा जी का वादा है, कम ना ज्यादा है ब्रह्मा जी का वादा नारद पुराण में। क्योंकि नारद जी आकर पूछे कलयुग के नमूने के लिए क्या है उपाय बजना के, सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर में कुछ होगी बुद्धि, कुछ इच्छा होगी भगवान की भक्ति करने की, भगवान को समझने की। कलयुग के गए गुजरे जीव मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या उपद्रता, इनके लिए उपाय योजना कुछ बनाई कि नहीं आपने? तब ये श्लोक कहते हैं, क्या कहते हैं, इति षोडशक नाम नाम कली कलमनाचन नातो परत्रुपाय। नातो परत्रुपाय बतलाता है ब्रह्मा जी परंपरा में। नातो परत्रुपाय कहाँ बताए? हरेर्नाम हरेर्नाम, जो महाप्रभु ने बताया वही बता रहे। तो दिस इज अ प्रूफ ब्रह्मा जी इन परंपरा। कली कलमनाचन नातो परत्रुपाय सर्व वेदेश दृश्य, क्योंकि ब्रह्मा नारद पूछे और कोई उपाय नहीं उस पर, इतने शास्त्र है, वेद है, पुराण है, ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण है, आपको और कुछ नहीं मिला? तो कहते सर्व वेदेश दृश्यते। मैंने गूगल सर्च मारा और गूगल सर्च में जब सर्च मारते तो लाखों में करोड़ों में रिजल्ट आते, लेकिन इस बार सिर्फ एक रिजल्ट आ रहा है, हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नाम, ये वही केवलम। कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर्नता, नास्ते व नास्ते का मतलब है नाचना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, आई ट्यून नहीं माया के ट्यून पर। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वर्तमान में रहकर सही भावना से, तो वर्तमान में रहने के लिए हमें क्या सोचना है, जो भी सेवा कर रहा हूं शायद आखिरी प्रवचन दे रहा हूं, अगला प्रवचन देने के लिए जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, राजभोग बना रहे ये आखिरी राजभोग हो सकता है, फूलमाला बना रहे ये आखिरी फूलमाला, नहीं तो खुद को फूल बनाएंगे हम। तो ये भावना से अगर हम सेवा में 100% लगाएंगे तो वर्तमान में नींद नहीं आएगी आपको, झपकी नहीं लगेगी। क्या भावना से कर रहे हैं आप? ये मेरी आखिरी सेवा हो सकती है। इस भावना से करेंगे तो क्या होगा, पूरा 100%, क्योंकि भगवान 100% चाहते। यशोदा मैंने थोड़ा सा ध्यान हटाया और बोर्ड लगाया, रुकावट के लिए खेद है, तो माँ को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या छोड़ेंगे वो है कि नहीं? इसलिए हम 2 घंटे भगवान गोपाल को गोद में लेकर दूध पिला रहे हैं। जप माला कहाँ होती है? गोद में होती कि नहीं जप करते समय? तो बीड बैग क्या है? गोपाल, गोपाल को हम 2 घंटे बड़े प्रेम से दूध पिला रहे हैं। उसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यशोदा का ध्यान 3 जगह क्या हो गया था, बट गया था, इसलिए उसके घर में उत्पात मच गया। ऐसे हमारा ध्यान, प्रभुपाद कहते हैं लेट एवरीथिंग एल्स वेट एंड दे हैव टू वेट, कि जब करते समय और कुछ कार्य करने जाओगे स्मृति होगी तो शायद भगवत धाम जाना कैंसिल हो सकता है, टिकट कैंसिल हो सकता है। लेकिन जब करते समय भक्तों के संग में अगर मृत्यु आएगी तो डायरेक्ट नॉन स्टॉप भगवत धाम, अंत काले चमामे हुआ भक्तों के संग में, है कि नहीं? कई लोग पानी पीने के लिए जाते हैं तो उनको याद करना चाहिए परीक्षित महाराज का क्या हो गया, वो भी पानी पीने के लिए गए थे, है कि नहीं? इसलिए जो भी करना है या तो जप के पहले या जप के बाद, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे जप करना है। और ये किसी संस्था में आपको अलग से 2 घंटे नहीं मिलेंगे, याद रखिए, सिर्फ इस्कॉन, ये प्रभुपाद ने दिया सबसे बड़ा ऐश्वर्य है आने वाले पीढ़ियों को। 2 घंटे अलग से आपका व्यक्तिगत साधना के लिए समय, तो
तो इसकी कीमत करनी चाहिए हर एक क्षण की, तब हम वर्तमान की कीमत करेंगे और वर्तमान में रहकर भगवान को पुकार पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो हम बता देते हैं, भगवान को भूलने के कारण माया के द्वारा भगवान तीन चीजें फ्री में देते हैं, भय मोह शोक। तो भय रिलेट्स टू फ्यूचर, भविष्य की चिंता, शोक पास्ट के लिए, जो बीता है उसके लिए रोना धोना, क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ। और हिंदी गाना शुरू करते, ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ मत पूछो, और इसमें पूरी जिंदगी चली जाती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, वर्तमान में रहने के कारण हम भूल जाते हैं किस चीज को फिक्स करना चाहिए। हमेशा भगवान के पास रोते जाते, प्रभु जी को फिक्स करो, इस प्रभु जी को फिक्स करो। तो यहां फिक्स करने के लिए नहीं, खुद को फिक्स करने के लिए है, दूसरों को फिक्स नहीं है कि नहीं। पत्नी के कारण समस्या आ रही है, बच्चे के कारण, लेकिन भगवान कहते ये दुख किसी के माध्यम से दे सकता हूं, किसी को भी इंस्ट्रूमेंट बना सकता हूं। इसलिए प्रभुपाद कहते डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा, डोंट कैच होल्ड ऑफ इमीडिएट कॉज। क्योंकि दुख है हमारे जीवन में, इसके तीन ही कारण है, भगवान को भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस इज ए ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बींग, भगवान को भूलने के कारण अज्ञान, फॉरगेटफुलनेस गिव्स बर्थ टू इग्नोरेंस गिव्स बर्थ टू सिनफुल टेंडेंसीज, एंड सिनफुल टेंडेंसी गिव्स बर्थ टू मिजरीज। सो मिजरी इज ऑन फोर्थ स्टेज। तो मिजरी के पहले कितने स्टेज है, तीन ही कारण है, चौथा कारण हो ही नहीं सकता दुख का। तुरंत कारण, माध्यमिक कारण और मूल कारण, इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज एंड अल्टीमेट कॉज। तो दुखों से कौन ऊपर उठेगा, जो वर्तमान में रहकर मूल कारण को पकड़कर रखेगा वो ऊपर उठेगा दुखों से, तो कोई चांस नहीं। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में न करे कोई, अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। इसलिए सुख हो या दुख, वर्तमान में हम दोनों में से एक में होते हैं, सुख में होते हैं या दुख में। इसलिए क्या बताए, सुख हो या दुख, वर्तमान में कोई भी स्थिति हो, 10.14.8 तत्तेनुकंपा, इसका बेस क्या है तत्तेनुकंपा का, कि भगवान भविष्य को देखकर वर्तमान निर्माण करते हैं भक्त के जीवन में। क्या करते हैं ये जब समझ पाएंगे कि भगवान बहुत दयालु है, त्रिकालज्ञ है, अंतर्यामी है, वो भविष्य को देखकर भक्त के जीवन में वर्तमान स्थिति निर्माण करते हैं। इसलिए प्रेजेंट में हड़बड़ा नहीं है, ये समस्या है, वो समस्या है, वो प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, ये तकलीफ है, ये भगवान के अनुकंपा समझना है कि भगवान भविष्य को देखकर ये समस्या जीवन में ला रहे हैं। और स्थिति में वर्तमान में रहकर सही भावना से दिल से पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जितना तुरंत कारण को पकड़ेंगे उतनी समस्या बढ़ेगी, कर्मणा गहनो गति, उतने अंदर फंसते जाएंगे। इसे सिग्नल पे मामा ने पकड़ा है, कौन से मामा, पुलिस मामा, कहते आपके पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, पेपर नहीं है, 50 रुपये दे दो रफू चक्कर हो जाओ। अरे 50 रुपये किसके, 100 रुपये निकालो, अरे पहले तो 50 का था, 150 निकालो। ऐसे चलन बढ़ता जाएगा, ऐसे कर्म के साथ बहस मत करो, वो बड़े मामा हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्म। तो भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि के तीन कार्य होते हैं, 3D कहते हो, डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट इज डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन गिव्स बर्थ टू डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन गिव्स बर्थ टू डिसीजन। तुम्हें फर्क करना चाहिए,
कि मेरे दुख का कारण क्या है, बिना मांगे दुख क्यों मिल रहा है, मांगने पर भी सुख क्यों नहीं मिल रहा है, इसका कारण क्या है। क्योंकि आज तक मैं तुरंत कारण को पकड़ता हूँ। भक्त बनने के बाद भी, ब्रह्मचारी बनने के बाद भी, 30 साल रहने के बाद भी मैं वही मूर्खता कर रहा हूँ जो कई करोड़ों जन्मों से कर रहा हूँ, तुरंत कारण को पकड़ने का प्रयास। जैसे परीक्षित महाराज ने श्रृंगी का गला नहीं पकड़ा, तेरे कारण मुझे शाप मिला, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे क्या सारे ब्राह्मण समाज को खत्म कर दूंगा, मेरे टुकड़ों पे पलने वाले ब्राह्मण समाज मुझे कैसे शाप दे सकते हो आप लोग, आज सारे ब्राह्मण समाज को खत्म कर दूंगा। नहीं, ये मूर्खता नहीं की परीक्षित महाराज ने, उल्टा उन्होंने और एक ब्राह्मण का आश्रय लेकर ऊपर उठे है। वर्तमान में रहकर बिना खाते पीते सोते 7 दिन 7 रात भगवान की कथा, भगवान का नाम लेते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो पूरा भागवतम और कोई नहीं है, उन भक्तों की कहानी है जिन्होंने वर्तमान में रहकर सही भावना से तत्तेनुकंपा, कि भगवान भविष्य को देखकर वर्तमान निर्माण करते। जैसे अर्जुन को 1 साल अज्ञातवास में से घर जाना पड़ा अकेले, क्यों जाना पड़ा, भगवान ने वर्तमान स्थिति क्यों निर्माण की, इतना प्रिय है, सखा है, पार्षद है, सहचर है, भगवान के साथ खाने वाला, बैठने वाला, उठने वाला, सोने वाला, भगवान को बड़े प्रेम से काला कहने वाला अर्जुन बेचारे को अकेले को क्यों भेजा, क्या भगवान को भेजा नहीं था, क्यों भेजा। कई लोग लांछन लगाते वर्तमान में स्थिति क्यों निर्माण की, क्योंकि भगवान बहुत दूर की सोचते। अभी तक कुरुक्षेत्र का युद्ध दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा था, 50-60 साल के बाद युद्ध होने वाला था, और युद्ध में 11वें दिन जयद्रथ को मारना है, 11वां या 12वां दिन जो भी है, भीष्म पिता 10वें दिन ना, तो उसके बाद 2 दिन शायद अगले दिन अभिमन्यु को चक्र में फंसा कर मारना, ये इसकी किसकी योजना थी, जयद्रथ की, क्योंकि एक दिन उसको वरदान था, अर्जुन को छोड़कर 4 पांडवों को आप परास्त कर सकते हो, रोक सकते हो, इसलिए अर्जुन को जानबूझकर कहां लगाया था, शल्य के साथ युद्ध करने में लगाया था। तो उस युद्ध की भगवान सोच रहे, इतनी दूर की सोचते हैं भगवान, इसलिए चिंता मत कीजिए, सिर्फ चिंतन कीजिए आप, वो बहुत दूर की सोचती है। अभी तक 50-60 साल के बाद युद्ध होने वाला है, लेकिन भगवान अर्जुन को तैयार करे, बेटा उस 12वें दिन आपको जयद्रथ को मारना है, उसके लिए आपको एक विशेष अस्त्र चाहिए, और वो शिवजी के पास है, इसलिए मैं आपको 1 साल भेज रहा हूँ, इस 1 साल में कुछ करो या ना करो, लेकिन ये अस्त्र जरूर प्राप्त करना। कौन सा अस्त्र था, पुष्पता अस्त्र। इतनी भगवान दूर की सोचते, जैसे देवकी माता का दूध पी के चले गए, क्यों पी गए, क्या कारण था, भगवान तो आत्माराम है, रात के 12 बजे है, फिर भी क्यों दूध पिया भगवान ने, तो भावना का खेल है। देवकी माता ने किस भावना से पिलाया, क्या भावना थी देवकी माता की, किसके पहले 6 पुत्र थे, ये 6 पुत्रों को मैं दूध पिला नहीं पाई, और इस पुत्र के लिए मैंने सब कुछ सहन किया है, सबसे बड़ा बलिदान इस पुत्र के लिए किया, 8वें पुत्र के लिए करोड़ों जन्मों की तपस्या, उसके बाद शादी के दिन हनीमून नहीं गए, डायरेक्ट जेल में गए, इस बच्चे के लिए आंखों के सामने 6 पुत्रों की कत्तल देखी, तथाकथित 7वें पुत्र का गर्भपात हो गया, अभी इसको भी दूध नहीं पिलाऊंगा तो माता कैसे कहलाऊंगी, इसके लिए मैंने सहन किया है तो इसको दूध पिलाना पड़ेगा, तो मैं माता नहीं कहला सकती। तो इस भावना से, सुंदर भावना से देवकी माता ने दूध पिलाया, और दूसरी भावना क्या थी, अगर इसको रात को दूध नहीं पिलाऊंगी तो जाते समय बच्चा रोएगा तो पूरा पानी फेर जाएगा, नारायण की कृपा से पति के हाथ पैर की बेड़ियां टूट पड़ी है, कोई श्लोक आता है वसुदेव हथौड़ा छना लेकर हाथ की पैर की बेड़ियां टूट रही, अपने आप, क्योंकि वसुदेव ने सबसे बड़ा कार्य किया है, जैसे भगवान अवतार लिए कारागृह में तो अपने गले से लगाया, आ गले लग जा प्रीतिपूर्वकम, तेषाम सतत युक्ता नाम प्रीतिपूर्वकम, बड़े प्रेम से गले से लगाया, भगवान को प्रेम से गले से लगाइए, समय दीजिए और प्रेम दीजिए, जैसे गैया
समय देती है, प्रेम देती है, तो हरा भरा घास भी अमृत बनता है, उसको दूध कहते हैं। ऐसे भगवान का नाम, भगवान की कथा, हरी कथा अमृत बनेगी, हरि नाम अमृत बने। अभी जहर लग रहा है हमें, गले का बोझ लग रहा है, क्यों? क्योंकि गया के समान हम प्रेम नहीं दे रहे, समय नहीं दे रहे। तो वसुदेव ने प्रेम दिया, गले से लगाया, तो हाथ पैर की बेड़ियां टूट पड़ी। और क्या हुआ चमत्कार? वो जेल के ताले टूट पड़े, भले उन तालों का नाम था हरिसन ताला, क्या नाम था? सारे सिक्योरिटी क्या हो गए? हाँ, खाओ पराठे, मारो खराटे। और क्या हुआ चमत्कार? रात को 12 बजे कुत्ते भौंकना बंद किए। रात को 12 बजे ही उनका शुरू होता है सत्संग, क्योंकि 12 बजे उनका क्या होता है, लैंड मार्किंग होता है, अपने एरिया का मार्किंग, अपने मूत्र को त्याग कर अपने एरिया बनाते हैं। रात को 12 बजे नया दिन शुरू हुआ, मेरे इस आंगन में कोई आना चाहिए, नहीं चाहिए, तो भूखते 12 बजे। लेकिन आचार्य कहते उस रात को कुत्तों के मुंह में साइलेंसर किसने लगाया? उस रात में बारिश की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन घना आसाना बारिश सुन ली, वेदर फोरकास्ट गलत निकला। ये सब चमत्कार हो रहे थे, क्योंकि देवकी माता सोच रही थी ये सब पे पानी फिर जाएगा, अगर मैं बच्चों को अभी दूध नहीं पिलाऊंगी और जाते समय रास्ते में बच्चा भूख के कारण रोना शुरू करेगा तो इतनी घनी बरसात में भी लोग बाहर आएंगे और कहेंगे कौन इतनी क्रूर माता है जो बच्चे को रास्ते में छोड़ करगी, सारे घर के दरवाजे खुलेंगे। और पति का मुश्किल होगा, बच्चे का गोकुल पोषना मुश्किल होगा, इतनी दूर की सोच रही है माता, और उससे कई दूर भगवान की सोच रहे। भगवान ने किस भावना से पिया है? क्या अभी दूध पी के जाऊंगा तो माता को आसान होगा, 10 साल 2 महीने के बाद जब मैं कंस को मार के फिर से माता पिता को बीड़ियों से छुटकारा दूंगा, तब माँ कहेगी आप आने से पहले नारद जी आके चले गए और उन्होंने हमें बताया। क्या बताया? आगे जाकर आप गुरु के पुत्र को कहां से लेके आओगे? वापिस यमलोक से। तो माँ कहेगी मैंने क्या बकरी मारी है, मैंने दूध पिलाया है, दूध का कर्जा उतारना होगा और भगवान को उतारना पड़ेगा। तो भगवान सोच ले 10 साल 2 महीने में तो माँ के गोद में जाकर दूध नहीं पिला सकता लोक लज्जा के कारण, अभी से पी कर जाऊंगा तो क्या होगा, जब माँ कहेगी मुझे वो बच्चे उसी रूप में चाहिए, मिलने के बाद वो तुरंत क्या करेगी, पहला काम उन बच्चों को गले से लगाकर दूध पिलाएगी और तब उनका उद्धार होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं गोकुल जा रहा हूं, अभी पीकर जाऊंगा तो माँ के स्तन महाप्रसाद बनेंगे और इस महाप्रसाद से मेरे भाइयों का उद्धार होगा। इतनी दूर की सोचते हैं, 10 साल 2 महीने की। इसलिए हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है, तकलीफ आ रही है, तत्तेनुकंपा सुषमिक्षमानो, ये आधार है भगवान भविष्य को देकर। और हम मूर्ख लोग, 150 ग्राम की खोपड़ी के लोग भविष्य कैसे बनाते हैं? वर्तमान को देखकर भविष्य बनाने का प्रश्न, उसमें फंसते हैं, क्योंकि वर्तमान हम खुद के सेवा में लगा रहे हैं इसलिए हम फंसते हैं। वही वर्तमान अगर भगवान के सेवा में लगाएंगे तो हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, क्योंकि वर्तमान होता ही भगवान के लिए। क्योंकि सेवा ना तो भूत में हो सकती है ना भविष्य में, वर्तमान में है जो आपकी तय करेगी अगला शरीर, यम वापी। ऐसा नहीं कि भविष्य भूत में की हुई सेवा काम नहीं आएगी, आएगी जरूर, लेकिन वो चेतना ढक सकती है, जैसे भरत महाराज जी का हुआ है कि नहीं, भूतकाल में सेवा की थी वो वर्तमान में न होने के कारण ढक गई, 3 जन्म किस स्तर पे थे भरत महाराज, वहां से पतन हो गया। सिर्फ एक कारण था, वर्तमान में सही भावना नहीं थी। भावना किस पे लगाई थी? डियर पे, क्योंकि भरत महाराज शुरुआत में गए थे मोस्ट डियर की खोज में, किसकी खोज में गए थे? मोस्ट डियर की खोज में गए थे, पड़ गए डियर के प्रेम में, खुद डियर बन गए, इसलिए भागवत कहती है माय डियर डिवोटीज,
कितने बार डेरा गया? 4 बार। तो इतना बड़ा धोखा है, इतनी भक्ति करने के बाद, भाव स्तर पे होने के बाद भी पतन हो सकता है अगर वर्तमान में रहेंगे, सही भावना नहीं होगी। पूरी भावना भगवान से हटाकर किस पे लगाई? उस डियर पे लगाई, इसलिए उनको डियर बनना पड़ा। माय डियर डिवोटीज, बड़े धोखे हैं इस रास्ते पे, संभल के चलना। एकाकी भक्ति उत्पात ये वही केवल, एकाकी ना ही बल पाए हरिनाम संकीर्तन। तो वर्तमान में कौन लाएगा? भक्त लोग लाएंगे। प्रभु जी झपकी मार रहे, जब बराबर नहीं कर रहे, शब्द खा रहे, आपको वर्तमान में लाने का काम, क्योंकि शुद्धिकरण भक्तों के माध्यम से ही होगा, है कि नहीं? इसलिए हमें क्या करना है, वर्तमान को खुद के लिए कसकर नहीं पकड़ना है। मेरे शरीर के लिए, मेरे इंद्रियों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, ये सब की भलाई है। इस वर्तमान को हम भगवान की सेवा मिलेंगे। यथा तरोर मूल निशे चेने न तृप्यंति स्कंद भुजो पशाखा यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। अलग सा कुछ प्रयास नहीं करना है, सिर्फ वर्तमान सही भावना से लगाना है, कथा में और नाम में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम राम। तो पिछले बार बताया था, वर्तमान जब हम खुद के लिए पकड़ के रखते हैं, मैं मेरा शरीर मेरा परिवार, उतने जल्दी आपकी आंखों के सामने फिसलता जाएगा। इसलिए दुर्भाग्य जीव कहा है उसको, जिसके हाथ में भूत नहीं भविष्य नहीं, वर्तमान भी उसके आंखों के सामने फिसलता जा रहा है। कौन सी चीज है भौतिक जगत में जो हाथ में कस कर पकड़ने से उतने जल्दी फिसलती है? रेत, सैंड। प्रयास कर सकते क्लास के बाद, पूरा हाथ में रेत पकड़ के कस कर पकड़ो, पूरी ताकत लगाओ, क्या होगा नतीजा? उतनी जल्दी फिसल जाएगी। ऐसे वर्तमान फिसलता जा रहा है, इसलिए हम अशांत है, बेचैन है, क्या करना समझ में ना रहे, ना घर के ना घाट के। फिर से भौतिक जगत में नहीं सकते और आध्यात्मिक जाने का तो रास्ता बंद है, क्योंकि वर्तमान के रहने की कला नहीं सीखी। इसलिए ना घर के ना घाट की। इसलिए ये हालत कई भक्तों की है, इसका कारण ही क्या है, वो वर्तमान को पकड़ के रहे, भावना सही नहीं है। खुद की खुशी और खुद खुशी कर रहे हैं। तो वर्तमान में रहने से क्या होगा, आश्रय लेना आसान होगा। आश्रय सिर्फ वर्तमान में संभव है, इसलिए जप करते समय दीवार को भी चिपक करने बैठना है, चिपकली के समान, क्योंकि इसको नामाश्रय का है, दीवार आश्रय नहीं। वो दीवार आपके जीवन में दीवार कर देगी, क्या कर दी? दीवार। नींद क्यों आती है? जब आश्रय लेते हैं बाकी सभी चीजों का, तब नींद आती है, अनुभव कर सकते। जब बिना आश्रय के बैठते तो भगवान पे आश्रित, इसलिए पुकार पाएंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आश्रय किसका लेना है? महात्मा बनना है तो महात्मा नामस्तु पार्थम दैवीं प्रकृति माश्रितम। तो सुनकर, सिर्फ बोलकर नहीं, सुनने से प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्योंकि नाम रूप गुण लीला, जीवा से नाम प्रकट होगा, लेकिन आधा काम हो गया, कान में पहुंचना चाहिए, क्योंकि कान से कान्हा मिलेंगे, क्या मिलेंगे? हाँ। जीवा से बोल, लेकिन कान से काम पूरा होगा, आंखों से भगवान की छवि हृदय में उतर सकती है। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूप गोविंद आदि पुरुषम समहौ बचाओमि। है कि नहीं? क्योंकि दर्शन आंखों से नहीं होगा, चमड़ी की आंखों से क्या देख पाएंगे हम?
भगवान ने चैलेंज किया, ओपन चैलेंज, जो भगवान को चैलेंज करते भगवान को दिखाओ। क्या किस चैलेंज किया भगवान ने, कि बेटा तुझे आंखें दी है चमड़े की आंखें, उसके ऊपर बिल्कुल बाल बिठाए। क्या बिठाए, क्या कहते इसको, भुए, आईब्रोज, बिल्कुल आंखों के ऊपर बिठाए, ओ देख के दिखाना, बाद में मुझे देखने का प्रयास करना। ओपन चैलेंज हरे कृष्णा चैलेंज है, कोई देख सकता है बिना आईने के, देख सकता है बिल्कुल आपके आंखों के ऊपर बैठे। इसलिए दर्शन अंतर दर्शन होता है, चमड़े की आंखों से नहीं। बाहर नरसिंगो हृदय नरसिंगो, और श्लोक में क्या बताया, ब्रह्म संहिता में दर्शन कहाँ होगा, क्या बताया लाइन में, संता सदैव हृदय। नारद ने आंखों से नहीं देखा, हृदय में देखा दर्शन। तो दर्शन आंखों से नहीं होता, किसी भी युग में अंतर दर्शन होता है। उसके लिए हमें भावना से ही होनी चाहिए और वर्तमान में रहकर, तो भगवान जरूर देंगे दर्शन। क्योंकि आप आश्रय ले रहे, ध्यान पूर्वक सुन रहे, सुनने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हियर। क्या स्पेलिंग है हियर का, एच ई ए आर, ये वर्तमान में रहकर सही भावना से एच ई ए आर करेंगे तो आपके पीछे एच ए आर खड़ी होगी। कौन खड़ी होगी, सेम अल्फाबेट, एच ई आर इज गोइंग टू मैनिफेस्ट एच ए आर ई। बोलो राधा रानी की, तब महात्मा बनोगे, नहीं तो दुरात्मा बन के रहेंगे हम। महात्मा नमस्तु पार्थम दैवीम प्रकृतिम, और अंत में बताएंगे इसका उपाय क्या है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सुनिए, भगवान भी कहे 7.1 क्या श्लोक है, लास्ट लाइन, लास्ट शब्द क्या है, तत् सुनो, भगवान करे सुनो मी, नहीं तो सुनामी आएगा आपके जीवन में। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। अब इसमें कॉमन क्या है, हियर नियर डियर फियर, सो दैट इज प्रूफ। भक्ति बिगेंस विथ हियर, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, लेकिन ये वर्तमान में होना चाहिए, सही भावना से होना चाहिए। क्योंकि हम यज्ञ कर रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ा ऊपर ही रखिए, हाथ ऊपर ही रखिए, ये दो हाथ ऊपर किए तो यज्ञ की ज्वाला हो गई, क्या हो गई, नीचे की जब, तो राधेश्याम प्रभु कैंसिल करेंगे हमारे कल अगले सुबह हमारा छत खराब करके गए आप, हाँ, क्योंकि कलयुग में और कोई यज्ञ काम नहीं करेगा, क्योंकि कलयुग की तुलना टॉयलेट से की है, मैं भौतिक जगत की तुलना टॉयलेट से, और टॉयलेट में यज्ञ नहीं होता, प्रॉब्लम हो ना सही समय है, ना सामग्री सही है, ना उच्चारण ठीक है, ना कोई ब्राह्मण है, तो यज्ञ कैसे होगा, और उसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है, भौतिक जगत टॉयलेट है, टॉयलेट में यज्ञ नहीं होता। तो एक ही यज्ञ है जो काम करेगा, दो हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। लेकिन यज्ञ कैसे करना है, प्रेम से करना है, प्रेम संकीर्तन। 5 दिन किया कि नहीं, क्या भूल गए आप लोग क्योंकि कलयुग में होता है जब महाप्रभु आते तब साधारण कीर्तन नहीं होता, प्रेम संकीर्तन। क्यों प्रेम कहा है इसको, क्योंकि बाकी 999 युगों में विष्णु नारायण आते, युगावतार आते, महाप्रभु कौन है, द्वापर युग के कृष्ण, राधारणी की भावना लेकर आते, राधारणी का प्रेम लेकर आते, राधारणी का हृदय लेकर आते, राधारणी का वर्ण लेकर आते। राधारणी का वर्ण क्या है, तप्त कांचन, इसलिए उसको क्या कहते हैं, गौरांगा। तो हृदय राधारणी का है, भावना राधारणी की है, अरे प्रेम समझने के लिए, प्रेम की बराबरी करने के लिए, प्रेम का कर्जा चुकाने के लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रेम संकीर्तन। अरे वर्तमान में रहकर सही भावना से भक्तों के संग में करने, तो क्या होगा, संकीर्तन नहीं संकी बनेंगे, कीर्तन नहीं होगा।
क्या बनेंगे? संकी बनेंगे, कीर्तन नहीं होगा, संकीर्तन। इसलिए अंत में बताएंगे उपाय क्या है इस पे, वन मंत्र एट ए टाइम। उपाय क्या है? एक समय एक शब्द पे पूरी शक्ति जान लगानी है। समझना है, हरे बोल रहा हूं कृष्ण बोलने के लिए जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा? क्यों? भगवान ने पूरी शक्ति लगाई, नाम नामकारी बहुधा निदर्शन। तो हमारी बारी है अभी पूरी शक्ति लगाने की। चैत्र महाप्रभु कहे मैंने पूरी शक्ति लगाई, अभी आपकी बारी है पूरी शक्ति लगाओ। उच्चारण स्पष्ट रखो और सुनने का प्रयास। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र है यहां पर, है कि नहीं? क्या देखते हैं इसमें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरे बोल रहे तो पूरी शक्ति हरे में लगाई, कृष्ण के बारे में सोची मत, क्योंकि मन का स्वभाव क्या है, या तो पिछले मंत्र पिछले शब्द में देखे जाएगा या आगे वाले, ना सोचती ना कांक्षती। इसलिए हरे बोल रहे तो सिर्फ हरे पे पूरी शक्ति लगाइए, सोचिए कृष्ण बोलने के लिए जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, क्यों ना 100% शक्ति उसमें लगाए, तब वर्तमान में रहना संभव है, भावना उजागर होगी आपकी। समझ गए? हरे के बाद क्या शब्द है? कृष्ण। कृष्ण बोल रहे तो पिछला हरे भूल जाए, अच्छा किया बुरा किया सुना नहीं सुना छोड़ दीजिए, वो भगवान संभालेंगे। योगक्षेम वहाम्यहा। और कृष्ण के बाद आगे क्या है? फिर से हरे, पीछे भी हरे है आगे भी हरे। तो वन मंत्र एट ए टाइम का मतलब है पिछला हरे अच्छा हुआ बुरा हुआ नहीं सुना सुना, या अगले हरे के बारे में सोचे कि अगला हरे बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, अच्छा होगा नहीं होगा, इसके बारे में चिंता मत कीजिए। इसलिए हिंदी पिक्चर का गाना था, वक्त पिक्चर का, आगे भी जाने ना तू पीछे भी, बस यही एक मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ गए? क्योंकि एक साथ 16 शब्द बोलना सुनना ये लगभग असंभव, इम्पॉसिबल हमारी स्थिति में। ये सब गोस्वामी स्टेज पे संभव है। तो अभी क्या करना है? एक मंत्र, क्योंकि अचानक सांड को उठाना बहुत मुश्किल है, सांड आपको उठा के फेंक देगा तो सांड को उठाना इतना है नहीं, आसान नहीं। लेकिन सांड को उठाना तो क्या करना होगा, अभी से बछड़ा शुरू उठाना करना। तो हमारे केस में क्या, बछड़ा उठाने का मतलब है एक मंत्र, हरे बोल रहे उसको उठाओ, उच्चारण करो, कान में पहुंचाओ, हाँ सही भावना से वर्तमान में रखा, तो क्या होगा, आपके स्पिरिचुअल मसल बढ़ेंगे और एक दिन ऐसा आएगा 16 के 16 शब्द आप बोल पाओगे सुन पाओगे। ठीक है? इसलिए उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए शुरुआत में। ठीक है, भगवान भावग्रही जनार्दन है, स्वीकार करते हैं, जैसे पिता भी भावग्रही होते हैं कि नहीं, बचपन में 5 साल तक वो स्वीकार करते हैं, प बच्चे की तोतली बातें, बहुत अच्छा लगता है, बच्चा कम से कम बोल रहा है। लेकिन वही बच्चा 25 साल के बाद प प खाएगा तो थप्पड़ खाएगा वो फटके खाएगा वो। क्यों उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए? क्योंकि अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। प्रेम बढ़ना है तो हमें ध्यान देना होगा छोटी छोटी चीजों से। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बन सकती है, इट्स कॉल्ड एज स्नो बॉल इफेक्ट। ऐसे प्रभु के धोती में छोटा सा छेद है तो श्वेत प्रभु कैसे सोचते हैं ये छोटा सा छेद मेरा क्या बिगाड़ेगा, और उस पर ध्यान नहीं देते। एक हफ्ते के बाद छेद इतना बड़ा होगा श्वेत प्रभु उसके अंदर से आर पार हो सकते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स द नाइन। या नाव में छोटा सा छेद है, नाव वाले सोचेगा ये छोटा सा छेद मेरा क्या बिगड़ है। तो नाव को कौन तैराता है? पानी जो बाहर है वो नाव को तैराता है, वाटर आउटसाइड मेक्स इट फ्लोट, बट द सेम वाटर व्हेन इट कम्स इनसाइड इट कैन सिंक द टाइटैनिक ऑल्सो। ऐसे आपके ना जीवन की नाव है टाइटैनिक भाव सागर में फिर से डूब सकती है, इन अटेंशन।
क्या फर्क है? वाटर मेक्स इट फ्लोट, वाटर आउटसाइड मेक्स इट फ्लोट, वाटर इनसाइड मेक्स इट सिंक. व्हाट इज द डिफरेंस? अ स्मॉल होल, छोटा सा छेद, बहुत भारी पड़ सकता है. इसलिए जितना जल्दी हम सुधर जाएंगे उतना आसान होगा. पूरी जिंदगी बड़े प्रेम से जप करने में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम. तो कल कुंज बिहारी मंदिर में प्रश्न किया कि प्रभु जी भगवान तो कहते हैं गीता में भागवत में कैसे भी जप करो, इनअटेंटिव क्या श्लोक है भागवत में, आजा मिल गया, हाँ वो बता. तो शुरुआत में ठीक है, क्योंकि अजा मिल क्या था, एक स्पेशल केस थी, खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान, वो केस है वो. ये हर कोई डॉक्टरेट नहीं बन सकता. हम डॉक्टरेट भगवान से मिलेगी ये बस भरोसे पर गए तो कभी डॉक्टर नहीं बने. डॉक्टरेट किसके कृपा से होते हैं? राष्ट्रपति के. और हर एक को डॉक्टरेट नहीं मिलती, तो किसकी कीमत क्या रहेगी फिर डॉक्टरेट की? इसलिए उच्चारण स्पष्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि जितना हम ध्यानपूर्वक उच्चारण करेंगे तो उतना हम ध्यान वर्तमान में लगा सकते. उच्चारण आवश्यक है, उच्चारण सही होना चाहिए. क्योंकि हम कहते हैं कि भगवान भाव ग्रह, लेकिन हमारा भाव है क्या, उस स्तर पे हम है क्या, ये सोचना चाहिए. हमें गंदी आदत क्या है, इन नियमों का गलत फायदा उठाना, ये बद्ध जीवात्मा की सबसे बड़ी मूर्खता है, उसमें फंस जाती है जीवात्मा. हमेशा नेगेटिव लेते हैं, गलत करने से क्या होगा, अरे गलत क्यों ही कर रहे हो? अगर गलत करने से इतना फायदा हो रहा है तो पॉजिटिवली सोचो कि भगवान इतना गलत तरीके से भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति का नाटक कर रहा हूँ, फिर भी भगवान फ्लाइट का टिकट दे रहे, पनीर सब्जी खिला रहे. अगर सही भावना से करूंगा तो भगवान मेरे नाम पे आध्यात्मिक जगत करवा सकते हैं, पॉजिटिवली क्यों नहीं सोचते हम? हमेशा गलत सोचते, उसने किया मैं नहीं क्यों नहीं कर सकता, वो खड्डे में गया तुम खड्डे में जाने वाले हो क्या, क्यों अपनी भक्ति बर्बाद कर रहे हो? वो स्पेशल किस थी, खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान. इसलिए पॉजिटिव भक्ति इज पॉजिटिव. अगर इतने गलत तरीके से करे तो भगवान इतना कुछ दे रहे, अगर सही तरीके से करूंगा वर्तमान में रहकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम. इसलिए आज से पॉजिटिव सोचिए तो हम फायदा उसका उठा दे. इसमें हम फंसते कि उसने क्या था, भागवत में ऐसा कहा है, ये किसके लिए बताया है? कम से कम चीज बताइए जीवात्मा को, कम से कम चीज भगवान के लिए करनी. पत्रम पुष्पम क्यों नहीं चढ़ाते फिर, क्यों बनाते हो राइस डाल? क्योंकि आपकी पापी पेट के सवाल है. अगर पेट नहीं होता तो पत्रम पुष्प पे भगवान को पत्ता काट देते हम. है कि नहीं? खुद का प्रॉब्लम, इसलिए राइस डाल खिला रहे हम, न तो भगवान को कम से कम चीज. ऐसे भक्ति में कम से कम नहीं, वो मिनिमम बताए. 16 इज मिनिमम, नॉट मैक्सिमम. 2 hours इज मिनिमम, ऑफ द बीट्स 22 hours. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम. और दूसरा है शब्दों को खाना नहीं. प्रॉब्लम क्या हरे कृष्ण महामंत्र में देखिए जरा, हरे कृष्ण हरे, उसके बाद लगातार 3 बार कृष्णा हरे, है कि नहीं? हरे कृष्ण हरे के बाद कृष्ण 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 3 बार. तो हम कलयुग के नमूने हरे कृष्ण महामंत्र को भी डिस्काउंट देते, तुम भी क्या याद करोगे, ले लो डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट. हरे मंत्र कृष्ण महामंत्र ही डिस्काउंट है कलयुग के लोगों ने, लेकिन हम नमूने उसमें भी डिस्काउंट दे रहे भगवान को. 3 में से कभी 2 हरे कृष्ण बोलते हैं, कभी 2 बोलते हैं, कभी 1 बोलते हैं. उसके बाद 3 हरे आते हैं कृष्ण के बाद, हरे हरे हरे, उसके बाद हरे राम में राम राम राम, राम राम हो गए अभी. थोड़ा आराम करेंगे. तो हरे कृष्ण मंत्र इज नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ 3 वर्ड्स. बेसिक वर्ड्स आर हरे कृष्ण एंड राम.
तीन मूल मंत्र है। तो 16 शब्द क्या है? रिपीटेशन है। रिपीटेशन का मतलब है क्या? मतलब है रिपीटेशन का, रिपीटेशन, भगवान को पिटीशन कर रहे हैं, फिर से पिटीशन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, राम। इसलिए उसको रिपीटेशन का है। क्या है? हाँ, रिपीटेशन मीन्स रिपीटेशन, बार 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 नहीं करेंगे तो बार बार बनेंगे हम। तो प्रॉब्लम क्या है? पहला मंत्र जब पूरा होता है तो अंत में क्या शब्द है? हरि। और अगला मंत्र शुरू होता है, पहला मंत्र पूरा होता है तो हरे हरे से पूरा होता है, दो हरे आ गए, और अगले मंत्र का शुरुआत का हरे, फिर से हरे तीन बार। तो कई लोग वर्तमान में नहीं होते, सही भावना नहीं, तो इसलिए 16 शब्द बोलते नहीं, क्योंकि 16 बोलते ही पेट में गोला आता है। 16 बोलने हैं, 16 मंत्र बोलने हैं, 16 माला करनी है, और भक्तों के संग में नहीं करेंगे तो 16 घंटे बर्बाद करते। सुबह 6 बजे से रात 12 कितने घंटे हो गए? अगर भक्तों के संग में नहीं करेंगे तो 18 घंटे हो गए। होना चाहिए 2 घंटे में, तो एक्स्ट्रा 16 घंटे बर्बाद करें, 16 घंटे बर्बाद करें, 16 मंत्र बोलने हैं, 16 शब्द सुनने हैं, 16 क्या है, माला करनी है, तो पेट में गोला आती है। इसलिए ध्यानपूर्वक उच्चारण कीजिए, शब्द मत खाइए। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, कितने शब्द खाए? कम से कम 8 शब्द खाए, और हर एक शब्द एक एक बड़ा गुलाब जाम है, काला गुलाब जाम। क्या है? क्योंकि भगवान भी काले थे, काला गुलाब जाम करे एक मंत्र में 8 गुलाब जाम, नींद कैसे नहीं आएगी आपको? जितना मीठा खाते हैं डोले डोले नमाज पढ़ना शुरू करोगे आप। इसलिए प्रभुपाद के गुरु महाराज कहते हम मायावादी से बदतर है, वी आर वर्स देन मायावादीज। क्यों? मायावादी तो भगवान के अंगों को तोड़ते अपने लिखान से, अपने वचनों से। हम भक्त बनने के बाद भगवान का नाम, जो भगवान सभी ने उसको तोड़ भी रहे शब्दों को, और ऊपर से भी खा रहे, तो कौन गया गुजरा है? मायावादी के हम। इसलिए डोंट बिकम वर्स देन मायावादीज, प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड क्लियरली, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम और उच्चारण में कृष्णा नहीं, कृष्णा द्रौपदी का नाम है, आपका वस्त्रण होगा। कृष्ण बोलिए, क्योंकि इंग्लिश में कृष्णा बोलते हैं हम, इंग्लिश में क्रू नहीं है। संस्कृत में, मराठी में, हमारी लोकल लैंग्वेज में क्रू है। अगर है, आप बोल सकते हैं तो ज़रूर बोलिए, क्योंकि चाइना में र नहीं होता, ल होता है, हले कुल क्या कहते हैं, हले लाम। तो उनके लिए जिनकी संस्कृति में नहीं है, वो शब्द नहीं है, उनकी जीवा उस प्रकार की नहीं बनाई, उन लोगों के लिए जब आपके पास योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, आप बोल सकते हो, तो जो लिखा है वो बोलिए, कृष्णा मत बोलिए, कृष्णा भी मत बोलिए, कृष्ण क्या बोलना है? हाँ, अगर संभव है तो। क्योंकि अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था। अभी कितने लोगों के कितने पार्ट हो गए मालूम नहीं। तो यहीं पे विराम देते हैं, और कुछ प्रश्न हो तो 1-2 ले सकते। कोई प्रश्न है, कोई शंका है? सबको समझ में आया क्या? हॉरिबल। यस प्रभु। कृष्णा क्योंकि इंग्लिश शब्द है, हम अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं, कृष्ण होना चाहिए, कृष्ण जैसे कृषि में क्रू होता है, आपकी लैंग्वेज में है, आप बोल सकते हैं तो जरूर बोलिए। कीर्तन प्रभु जी हमेशा कृष्णा ही बोलते हैं, हरे कृष्ण जब गाते हैं हम लोग, व्हेन सिंग हरे कृष्ण महामंत्र दैट टाइम वी ओनली यूज कृष्णा। क्योंकि कीर्तन साधारणतः हमारे मनोरंजन के लिए करते हैं, उस पर वैरायटी होती है, अलग अलग ट्यून होती है, वही जप के लिए बिठाइए, कोई बैठेगा नहीं, क्योंकि 16 शब्द आपको बोलना है, कोरस में भी आपको ही बोलना है। इसलिए जप में कोई आता नहीं,
कीर्तन में क्या अपने मन के पसंद, भूले बिसरे गीत, अलग अलग ट्यून और कोरस में बोलना है, आपकी फरमाइश होती है और वहाँ स्वयंवर होता है, इसलिए लोग आते जाता इसलिए कीर्तन मेला मनते कहते उसको, क्या कहते हैं, मेला, तो भक्ति मध्य मेला क्योंकि वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट, वहाँ वैरायटी मिल रही है, यहाँ वैरायटी नहीं है, समझ गए, इसलिए इतना आसान नहीं जप करना। बड़े बड़े नमाज पढ़ना शुरू करते हैं पैदी माला में तो आपको वो संस्कृति है, आपके भाषा में वो शब्द है तो बोलिए, ये समझने के बाद भी करेंगे तो अपराध हो गया। जैसे अजामिल को पहले मालूम नहीं था, इसलिए अजामिल का जब था निरअपराध था, क्योंकि उसने कभी हरिनाम सेमिनार सुना नहीं था। आपका प्रॉब्लम है, कई बार सुन चुके आप, उसके बावजूद भी हम नहीं सुधरेंगे। एच एन एस का मतलब क्या है, होली नेम सेमिनार नहीं, हम नहीं सुधरेंगे, एच एन एस वो प्रॉब्लम है, तो सुधरने का प्रयास करें। कभी सुधर सकता है आदमी जब गलती को स्वीकार करता है। प्रूफ क्या है, जो लिखा है वो पढ़ना चाहिए, अगर आपके भाषा में पढ़ सकते हैं क्रूश्ट, क्या प्रॉब्लम है आपको। अभी 200 किलोमीटर स्पीड से आप दिल्ली जा रहे हैं, जाना है आपको बॉम्बे, तो कभी बॉम्बे पहुंच पाएंगे, क्यों, गलत दिशा में जा रहे, तो वापस मुंबई जाना है तो आपको यू टर्न लेगा, यू टर्न में स्पीड कम करना पड़ता है, तो स्पीड कम होगा, कई गलतियां सुधारने में समय लगेगा, लेकिन ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ नॉट वेस्ट, इट इज़ इन्वेस्ट, लाइफ टाइम इन्वेस्ट। और सबूत क्या बताया मैंने, गलत तरीके से उच्चारण करे तो इतना फायदा है, सही तरीके से करूँगा तो कितना फायदा होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बोलो ना श्रुति, मराठी हिंदी में क्या होते हैं, कृष्ण होते हैं कृष्ण, हाँ हाँ। तो जो भी है भाषा आपकी है, क्योंकि आत्मा की एक ही भाषा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ठीक है। ये बड़ा डिबेट होगा आगे जाकर लेकिन हमें अगर भगवान बुद्धि दे रहे हैं, किसी के माध्यम से बता रहे हैं, तो उस पर सोचना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर, क्योंकि यही करना है, इतने सारे लोग सुन के जगह हैं, क्योंकि इस विधि को सही तरीके से अपना नहीं, विधि को सही तरीके से अपनते तो विधान बदल सकता है आपका, सही तरीके से करेंगे तो। ये तो इतनी बढ़िया फिलॉसफी है, खुद महाप्रभु आए, सबसे बड़ा महामंत्र दे, फिर भी लोग छोड़कर क्यों जा रहे, कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है हमारी, कहीं ना कहीं तो हम ध्यान हटा रहे हैं, कहीं ना तो कहीं हम गलत तरीके से जप कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रयास कीजिए, हमारे हाथ में प्रयास है, कोशिश जारी है क्या जा रही है, कोशिश जारी है क्या जा रही है, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, द नेम ऑफ द गेम इज स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, लिसन लिसन लिसन, ये तो लसुन 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 फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा, गोलोकेरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। तो मैं भी 25-30 साल से 6 महीने पहले कृष्णा ही बोलता था, लेकिन एक बार मैंने सुना हमारे जो एडवाइजरी की कमेटी के मेंबर हरिपार्षद प्रभु से, मैंने उनको भी ध्यानपूर्वक सुनिए क्या बोलते हो, कृष्ण। तो शास्त्र के पंडित है, संस्कृत के पंडित है, इसलिए इसमें गलत तो कोई नहीं है, क्योंकि जो लिखा है वो पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है, हरे कृष्ण कृष्ण नहीं तो चेंज करना पड़ेगा, क्री के नहीं के नीचे क्या देना पड़ा, लाइन जोड़नी पड़ी, तो नहीं होता। जिस भाषा में है आपकी जीवा की रचना उस प्रकार है, आपके संस्कार वैसे है, तो बोल सकते तो जरूर बोलिए, जिनको संभव नहीं वो भगवान उसका भाव स्वीकार करेंगे। जैसे चाइनीज लोगों का भगवान र नहीं इसलिए कहते नहीं, तुम कभी भगवत धाम नहीं आ सकते, नहीं, भगवान उनकी भावनाओं को स्वीकार, लेकिन आपकी भाषा में है, आपके औकात है, आप बोल सकते हैं, तो अगर चोर चोरी करेगा तो प्रॉब्लम नहीं, पुलिस चोरी करेगा तो प्रॉब्लम है, समझ गए।
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीशिनिथाय गौरचंद्र श्रीशराधा वृंदावन चंद्र श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र माई की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की, नाम प्रभु की, श्री श्री गुरु शिष्य परंपरा की, षडगो स्वामी की जय। सामवेद गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी। तो जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो माफ करना। हरे कृष्ण।